प्रार्थना करी तब श्याम सुंदर कहने लगे, सुनो मेरे देवता ने मुझसे कहा है कि मुझे छाता बना करके अपने ऊपर तान लो। ग्वालवार कहने लगे, कन्हैया तेरे साथ थोड़ी बहुत शर्म है कि सब बेच खाए का पागल हो ना, सारे सात कोसों को पर्वत ये कौन उठाए हो जाए, कैसे छाता बनाए हो भैया। कन्हैया बोले, मुझे तो मेरे बताने जी कही, कम से कम प्रयास तो करो, उठाए के तो देखो कहीं लघु न होगा। हाँ, हमारे देवता ने जैसी कही है वैसे काम करके तो देखो। श्याम सुंदर ने एक अपना हाथ लगाया और पर्वत को उठाया, जैसी होते तो देखा सब ग्वाल बाल लग गए और कहने लगे, अरे कन्हैया ये तो गजब हो गया। पूरे पर्वत को उठा लिया श्याम सुंदर ने और ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे लगा लिए और सबसे कहा, ले आओ पर्वत के नीचे सब गाय को बैलों को गाड़ी ज्वारों को सबको लेकर गया और सब आओ पूरे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे कर लिया। पूरे ब्रजवासी पर्वत के नीचे आए और ग्वाल बाल कहने लगे, आज तक हमें ये नहीं पता होगा हमने में इतनी ताकत है, इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया अब तू चिंता मत, आराम से आराम कर, हट जा। कन्हैया कहने लगे, मैं हट जाऊं? हाँ आराम कर, अब हम है ना। कन्हैया ने तो ठीक है मैं हट जाऊं, हाँ जैसी थोड़ी उंगली को ढीला किया जैसे दंडन की लठियन की चटाचट चटापट हुई। अरे कन्हैया डांट डांट, अरे कन्हैया डटियो, हाय भैया तेरे थोड़ो हल्को दो तो लठियन की दंडन की छटापट खटापट उड़ गई, को नेकोट हट जाए तो जे सब मुड़ो मुड़न की फटापट उड़ जाए।
सब कहने लगे तो का कन्हैया तू ही डांटे जा पर्वत पूरी है। कन्हैया ने कहा और का मैं तो डांटा ही हो ना दारी के ये चुंगो मैया का लगा दी तू समझ रहे हो कि मैंने पूरे पर्वत को उठा लो। कन्हैया ने कहा तो हट जा सब एक एक से सब हट गए। श्याम सुंदर चिंगो उंगली पर पूरे पर्वत को उठाए रहे। सबने देखा अरे भैया जी तो कन्हैया नहीं उठाओ। यशोदा मैया कहने लगी अरे ये मेरे लाला कब तक रखे वो इस Oh,
जब सब हट गए तो ब्रज में तो धूल उड़ रही। इंद्र ने बहुत प्रयास किया। इंद्र समझ गया कि ये मैंने गलत काम किया। 7 वर्ष की आयु में भगवान श्याम सुंदर ने 7 कोस के पर्वत को धारण किया और वर्षा बंद हुई, सभी ब्रजवासियों को बाहर निकाला। इंद्र आया भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु मेरी भूल को क्षमा करें। कामधेनु गाय आई, ऐरापत हाथी आया, आकाश गंगा को लाया। गाय से गाय ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया, तब से उनका नाम गोविंद पड़ा। इंद्र ने कहा, प्रभु मेरा पुत्र अर्जुन, आप उनकी रक्षा करें। भगवान ने वचन दिया, चिंता मत करो। उनको माफ किया और अर्जुन की रक्षा का वचन दे करके भगवान ब्रज में आते हैं। सभी ब्रजवासी आश्चर्य करते हैं, कहते हैं मैया ये तेरो लाला नहीं है, ये तेरो लाला नहीं है, ये तू कहां से लेकर के आई है? तब नंद बाबा से कहा, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है? नंद बाबा ने कहा, हमारा ही तो पुत्र है, हम नहीं मानते, ये तो स्वयं भगवान है। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य ने कहा था, उनकी जन्म पत्री को लेकर के बताया कि देखो जी पुत्र ऐसे ऐसे काम करेगा, जी हमारा ही तो पुत्र है। बड़ी मुश्किल से विश्वास दिलाया और सभी के अंदर में सब सोचने लगे कि अगर ये मुझे भगवान मान लेंगे तो मैं इनके साथ में बाल लीला नहीं कर पाऊंगा, ना ही इनको आनंद दे पाऊंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक बार नंद बाबा यमुना में रात्रि के समय स्नान करने के लिए गए और वरुण के दूत उनको पकड़ ले गए। श्याम सुंदर को पता लगा अपने पिता को छुड़ाने के लिए वरुण लोग जाते हैं।
वहां श्याम सुंदर का वरुण देवता ने बहुत स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि बाप को तो बंदी बना रखा है और बेटा की पूजा हो रही है। वरुण देवता ने कहा, हे प्रभु आप कैसे आए? श्याम सुंदर ने कहा, बाबा को तो तुम बंदी बना करके ले आए। नंद बाबा को छोड़ा गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन एक बार ब्रजवासियों ने कहा, लाला हमने सुना है कि तू भगवान है, सब कहते हैं तू भगवान है, अगर तू भगवान है लाला तो तू एक बार हमने अपना वैकुंठ दिखाई दे। हाँ अपना वैकुंठ दिखाई दे। कन्हैया ने कहा, तुम सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, तो ठीक है जा कुंड में सब कूद पड़ो। जैसे ही सबको कुंड में कुदाया तो सब कुंड में से वैकुंठ में पहुंच गए। वैकुंठ में जाकर के सभी चार चार हाथ वाले श्याम सुंदर अपने गद्दी पे विराजमान है, सभी देवता उनकी प्रशंसा स्तुति करने लगे हैं और वहां बहुत भब्बड़ होता है। ब्रजवासी देख रहे, भैया जो तो कहो देखो गोली चाली ना रहे हो। वहां कोई प्रेम नहीं, वहां कन्हैया के पास कोई जाने नहीं देता, कोई बोलना ना चालना, वह तो कन्हैया की सब सेवा में लगे हैं। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया लाला जो तो हम तुम्हारे पास हो ना आ पाए रहे, जो तो तेरी सेवा लगे बड़े ठाट बाटे थे, जे तू हमारे संग ना आ सके, ना बोल सके, ना बतरा सके, ना बैठ सके, लाला ऐसो बैकुंठ हमें ना चाहिए, हमें तो पूरे ब्रज में ही पहुंचाए थे। हाँ हमें तो वो ब्रज अच्छो लगे, अपने कन्हैया के साथ बैठे बोले बतरा में खेले। हाँ जे तो सभी बड़े बड़े सिद्ध मुनि ऋषि सब देवता तुम्हारी सेवा में लगे है, जे हमें तो दर्शन दुर्लभ है तुम्हारे। प्रार्थना करी सब उठ के ब्रज में ही आए और कहने लगे, कन्हैया वो वैकुंठ हमें नहीं चाहिए, हमें तो ब्रज ही अच्छो लगे, तामे अपने कन्हैया की पीठ पे बैठ करके घोड़ा घोड़ी खेले और सब हाँ खेल खेले, वैकुंठ में तो हम दर्शन ही नहीं कर पावे। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान श्याम सुंदर समय आता है गोपियों के लिए, एक दिन बंसी को बजाया, संध्या के समय पे गोपियों के लिए बंसी बजाया, गोपियों ने बंसी को सुना। गोपियां जिस काम को कर रही थी, गाय का दोहन कर रही थी, गाय के दोहन को छोड़ करके वो खड़ी हो गई चल गई, जिसके कोई रोटी बना रही रोटी छोड़ करके चल गई, कोई श्रृंगार कर रही किसी ने एक आंख में काजल लगाया तो वो बेसक बेसी चल गई, किसी ने काजल होठों पे लगाया, आंखों में लाली लगाई, हाथों का आभूषण पैरों में पहन लिया, पैरों का आभूषण हाथों में पहन लिया, बंसी को देख करके सब सद्बुद्ध भूल गए और बंसी की ध्वनि सुनकर सब श्याम सुंदर की ओर, किसी ने पूरा श्रृंगार ही नहीं किया, कोई स्नान कर रही है तो स्नान करते बैसक बैसे चले गए, एक गोपी की सास ने नहीं जाने दिया, कमरे में बंद कर दिया तो शरीर को छोड़ करके और उसकी आत्मा चल गई, और सब गोपियों से पहले पहुंच गए। सब रात्रि का समय यमुना के किनारे श्याम सुंदर के पास सब जाते हैं। श्याम सुंदर ने उनका स्वागत किया, स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवारिव ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमने कारणम्। आओ
गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। स्वागत किया, आओ बैठो। बैठा करके सबको बैठाया, सबका स्वागत किया, बहुत अच्छा। और फिर पूछने लगे, हे गोपियों तुम भैया क्यों आई, चलो यहां से। गोपी कहने लगी, कन्हैया पहले तो तुमने बुलाया, स्वागत किया, अब कह रहे हैं जाओ यहां से। क्यों आई, क्या कारण है, इतनी रात में तुम आई हो यहां, तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, इतनी रात्रि में तुम एक परपुरुष के पास जाती हो। गोपियों ने कहा, हे गोविंद सच्चे पति तो तुम है, भी तो केवल एक क्षण मात्र नाम मात्र के पति हैं, आप तो जगत पति है, सबके पति हैं, संसार में जितने जीव हैं सबके पति हैं, जगत पिता जगत पति। अब तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाए। गोपियों ने कहा, ये कन्हैया ये बात बताओ, कोई एक व्यक्ति ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं बाहर जा रहा हूं, उनकी पत्नी अपने पति को स्नान करा करके स्नान करती थी, भोजन पा करके भोजन पाती थी, उनकी पूजा सेवा करके तब सब कुछ करती थी, उनके पति ने कहा ये मेरा फोटो ले लो और मेरे फोटो से काम चला करके और आप अपना काम करना, फोटो को स्नान कराना, फोटो को चंदन लगाना, फोटो को चढ़ाना, प्रभा के बाद में स्वयं करना। वो स्त्री अपने फोटो से काम चला रही थी, उसी समय उसका पति दरवाजे पर आ गया। अब बताओ वो फोटो की सेवा करे कि वो असली पति की सेवा, असली पति के पास जाए। कन्हैया ने कहा जब असली पति दरवाजे पे आ ही गया है तो फिर फोटो से क्या लेना देना। गोपियों ने कहा कि जब हम अपने असली पति के सामने आ गए तो वो तस्वीर वो नकली फोटो उनसे क्या लेना देना। जैसे मीरा ने कहा, कि ऐसे पति को कांवरों, ऐसे पति को कांवरों जो जन्म में मर जाए, पति बरो गोविंद को सो छोड़ लो यवर हो जाए। गोविंद वो तो नकली पति है, सच्चे पति तो आप हैं। श्याम सुंदर उनकी परीक्षा लेते हैं और फिर बाद में उनके साथ में रास रचते हैं यमुना के किनारे। जितने गोपी थे उतने ही श्याम होकर के उन्होंने रास रचा। भोला सिर चौहे रासिर चौहे जमुना के मीरे हो पवाला सिर चौहे रासिर चौहे रासिर चौहे जमुना के मीरे बन गया है। अब तो हमारे पीछे पीछे नच रहा है, अब तो हमारा गुलाम बन गया है। गोपियों के मन को भाव को जान करके श्याम सुंदर गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही अंतर ध्यान हुए गोपियों ने देखा श्याम सुंदर नहीं है, देखा कन्हैया नहीं है, तो उन्होंने वैसा ही
कन्हैया की जो लीला थी वो पूरी लीलाएं करी। श्याम सुंदर का जन्म हुआ, नंद बाबा बने, जसोदा मैया बने और पूतना का वध किया। इतने जितने लीला थी श्याम सुंदर ने की तब पूरी करी। और वही रास पे आकर के गोपियां बहल हो गए और कहने लगी, हे कन्हैया कहाँ गए तुम, हमें छोड़ करके कहाँ गए, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहेंगे। सभी ने एकत्र होकर के गीत गाया, जायत ते अधिकम जनमना ब्रजे स्रजत इंदिरा शाश्वत रहे दयात द्रस्ता देवकाशतोये द्रता स्वास्तवा बेचे नवते शरद दास साधु जात सत रसजोद श्री मुसाद्रसा सुरत नाथ ते असलक दास का बरद निगन तो नेह किंबदा विष जला प्याद ब्याल राच साद बरस मारुता व्योतान लात। गोपियां सभी रोने लगी, हे गोविंद अगर तुम्हें अपने प्रेम में मारना ही था तो हमारी इंद्र से रक्षा क्यों करी, इतनी भयानक वर्षा से रक्षा क्यों करी, असुरों से रक्षा क्यों करी, हमने दावा अग्नि में जल जाने देते उससे रक्षा क्यों करी, अनेकों असुरों से हमें क्यों बचाया, अगर तुम्हें अपने ब्रह रूपी वियोग में मारना ही था तो। सब गोपियां रोने लगी और हे गोविंद आपने काली दे के जल से विषैले जल से क्यों बचाया, असुरों से क्यों बचाया, अगर तुमने मारना ही था तो। भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, अगर आप चाहें तो हम मर भी नहीं सकती, अब तुमसे इतना प्रेम करती है कि हम तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती और तुम्हारे वियोग में हम प्राण भी नहीं त्याग सकते, क्यों कि हमने तुम्हारी कथा रूपी अमृत पान किया है। तब कथा अमृतम ताप्त जीवनम कभीर वीरतम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्री मदात तम भवे ग्रंथ ते भोर ना जना याद में आके छुपी छुपी रोती है तेरी याद में आके छुपी छुपी रोती है तेरी याद Oh,
संसार में जो भी कुछ कहेगा वो सब यही कहेगा यशोदा का लल्ला है, तेरा ही लल्ला कहेगा, मैंने तो तुझे ही देखा है, तेरे सिवाय और मैंने किसी को नहीं देखा, मैं तो तेरा ही लल्ला हूं और मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाता। चिंता मत कर मां, बस मैं थोड़े समय के लिए तो जाता हूं और बाबा भी मेरे साथ जाएंगे, ग्वाल बाल सभी सखा मेरे साथ जाएंगे। मैया कहने लगी, लाला वो कंस की नगरी है, ये कोई वृंदावन गोकुल ना है, कोई पता है वो कितना अत्याचार दुष्ट है, मैं वहां तुझे नहीं भेजूंगी। कन्हैया ने कहा, मां तू चिंता मत कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, जैसे ही सवेरा हुआ गोपियों को मालूम पड़ा कन्हैया मथुरा जा रहा है, ये अचानक क्या हो गया, कन्हैया ने कोई सूचना नहीं दी और कहने लगे, हे विधाता ये अक्रूर है, अक्रूर श्याम सुंदर को लेने के लिए आया है, ये अक्रूर नहीं है, ये पक्का क्रूर है। अहो विदाता स्वरम कश्वदय संयोजय मैत्रया प्रायण देहिना ताश्चिता कृतार्थानां व्ययो नष्ट पारकं विकीर्णं त अर्वकमः।
कहने लगी, हे विधाता तेरा स्वभाव भी एक बालक की जैसा है, तू किसी को सुख देता है किसी को दुख देता है, तेरे यहां कोई कुछ नहीं है। बालक जैसे खेल खेलते हैं, खिलौना बनाते हैं, घर से बुलावा आता है तो खिलौने में अपने में लात दे करके मिटार करके चले भाग जाते हैं, इसे तेरी बालकों जैसी चेष्टा है। हमारे प्रेम को तूने बिगाड़ दिया, हमारे गोविंद से कृष्ण से मिलन हुआ तूने वियोग करा दिया, ये तू कैसा भाग्य लगता है। हे विधाता तू क्या करता है। गोपी कहने लगी कि जी अक्रूर नहीं है ये क्रूर है, यही हमारे जीवन में आया है, यही श्याम सुंदर को हमसे अलग कर करने के लिए आया है, ये नहीं आता तो हमारे श्याम सुंदर हमसे दूर नहीं जाते। विधाता को धिक्कार देती है, अक्रूर को धिक्कार देती है, उधर मैया को श्याम सुंदर बनाते हैं। मैया कोई बात ना है, मैया को शांत करते हैं, कहते हैं मैं तेरा ही लाल हूं तू चिंता मत कर मैया। मैया कहने लगी लाला तू मुझे भूल तो ना जाएगो, तू मुझे छोड़ तो ना जाएगो। कन्हैया कहने लगे ना भैया, बच्चा अपनी माँ को कौन भूल सके, ऐसा हो सके। मैया कहने लगी लाला मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा तो छोड़ने के लिए, तुझे भेजने के लिए मेरा मन नहीं करता, तू कितना भी समझा मेरा मन नहीं करता तुझे भेजने के लिए, अब तेरे सिवा मेरे जीवन में है ही कौन। यशोदा मैया कहने लगी लाला तू जइयो ना लल्ला, तू जइयो ना लाला माँ से मुख मोड़ के, तू जइयो ना लाला। Oh,
हमारे भोगीराम लम्बर अपने सभी बच्चों कार्यकर्ताओं के सहित फूलों का बड़ा हार और 4100 रुपए की माला महाराज जी के लिए और कार्यकर्ताओं से निवेदन मेरा एक बात का है, जो लोग बात पटाखे चला रहे हैं भैया बड़ी सावधानी से सरसों के खेत में हो जाएं। पटाखे बहुत दूर चला नहीं चला तो कोई बात नहीं है। 4100 रुपए की माला महाराज जी के और 2100 रुपए की माला हमारी बहनवती रामवती देवी परिचत उनके लिए और माता का नाम से निवेदन है कि तालियों से बहुत बहुत स्वागत करेंगे महाराज जी। लेट गई श्याम सुंदर ने उन्हें समझाया।
हे गोपियों चिंता मत करो, थोड़े समय की बात है, मैं बस आज जा रहा हूँ, कल रुकूंगा परसों आ जाऊंगा। आश्वासन देकर गोपियों को और चले जाते हैं। यमुना में आगे अक्रूर ने विचार किया, मैं कन्हैया को कहाँ ले जा रहा हूँ, कंस के पास, वो भी बड़ा दुष्ट है और कन्हैया को मार देगा, मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को मरवाने के लिए ले जा रहा हूँ। अक्रूर ने कहा, कन्हैया तुम स्नान करोगे? कन्हैया ने कहा, नहीं काका जी, मुझे तो डर लगता है। तो ठीक है, फिर मैं स्नान कर लूं। हाँ कर लो। जैसे ही अक्रूर ने यमुना जी में डुबकी लगाई, डूब गए कि मैं प्राण त्याग दूं। अंदर जल में श्याम सुंदर को देखा अक्रूर ने विचार किया कि अभी तो कह रहा था पर बैठे हैं सभी देवता, उनकी स्तुति कर रहे हैं। अक्रूर ने देखा ये तो स्वयं नारायण है। स्तुति समाप्त करते भगवान ने कहा, हे अक्रूर क्या अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है कि कंस मुझे मार देगा? अक्रूर ने कहा, नहीं प्रभु, अब मेरे मन के लिए नंद बाबा से कहा, बाबा अब हम मथुरा में घूमे आए। नंद बाबा कहने लगे, लाला जय तू वृंदावन गोकुल समझ रहे हो, ये कंस की नगरी है लाला। हाँ जामे को तू छेड़ा खानी करे बाबा, हमारी यहाँ की गोपियां थोड़ी है कि तू जागी मटकी फोरे बागी फोरे जाए कर बाय कर, ये कंस की नगरी है, मैं नहीं जाने दूंगा अकेला, मैं ही चलूंगा। कन्हैया बोले, बाबा तुम समझ में करे, हम मेला देखने जा रहे और मेला में मेल के हो तो आनंद आता है। हाँ मेल के हो तो मेला है, और बड़े बूढ़े बूढ़े हमारे संग में आवे तो उनको जी बोली हुई ना बतरावे करे, अरे बतरामन तो मजोटी में बनते। हाँ जब मेल के होते हैं या तो बड़े ही बड़े हो या जैसे बराबर के हो या छोटे छोटे हो, मेल के हैं तो मेला है। दाऊ कहने लगे, बाबा तुम चिंता उठाया, जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया गली में बंपर हो गया, सबने देखा जो जैसे ही ते से ही उठ धावे, गाली दी। श्याम सुंदर को क्रोध आया, एक थप्पड़ जमाया, उसका सर कट करके, जब जैसे ही देखा सब सोचने लगे, भैया जाके तो हाथ में ही तलवार फटेंगे, शीशे ही कट गयो, और अपने अपने हाथों से कपड़े चाटे, परंतु राजा के कपड़े ग्वाल वालों को कहा है। जैसे ही ग्वाल वालों ने अपने अपने सब छाट भी निकल के बढ़िया चमकने चमकने कपड़ा पहने, पर भी तो ढीले पैर के जाए तो रोड पे रोड साफ हो जाए, सबने अपने अपने वस्त्र ऊंचे ऊंचे टांगे ले, वैसे तो जैसे तो अब चल रहे हैं पैर कनाई बिना टांगे तो चलते ही ना, मोड़ी मोड़ी तो हम तो टांगे पापा हो, और तो आधी रोड साफ हो चली जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चार जने तो भैया भाई संभारे भी कुछ चाहिए, और तो रोड साफ होते जाए। ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया जी कौन सा डिजाइन बनाए देते हैं ना, सब अपन अपने हाथों से कपड़े उठाए उठाए के जा रहे हैं तो रोड साफ होते जा रही है, ये कोई डिजाइन है? कन्हैया ने कहा, तो चिंता मत करो,
सामने, तब तक एक दर्जी दिखाई पड़ता है और दर्जी ने कहा अरे इधर आओ। दर्जी ने सबके वस्त्र सही किए, ठीक ठाक किए नपाने से। अब कहा अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब दर्जी ने कहा, दर्जी से कहा भैया कछु ले लो। दर्जी बोलो कि जी झेको राजा बने बावे, अब ले ले तो राजा ते तो पहले मुलाकात कर ले तो ही बढ़िया, उन्हें पीछे परेशानी पड़ेगी। नहीं मारा कछु ना चाहिए, और पतो है कि मांगे तो जा धोबी है दे दो सब कछु को, वैसे जड़ गई तो हवाओं का गए बस कहा ले सिलाई 2000 रुपया वहां से चल दिए। अब बाल बाल कहने लगे लाला तो ये तो पतो है, कपड़ा तो ठीक है गए पर ब्रजवासी तो कम से कम गले में माला तो चाहिए ना। हाँ तो सुदामा नाम का माली तते सुदाम नामो भवनम मालकास्य जगमत। सुदामा नाम का माली उन्होंने आओ माला पहनाई सबको, माला पहना करके अब कहने लगे कि लाला अब माला तो ठीक है कपड़ा भी ठीक है, पर तुम्हें पता है ब्रजवासी के माथे सोने ना रहते चंदन थापक थुआ। हाँ तब तक सामने से एक शैरेन्द्र श्री सुकोवाच ब्रजनम राजपथे न माधव स्त्री अंग्रहेताम बिलेप भाज नाम। सामने से एक कुबड़ी आ रही है बिलोकियम कुबजा यवती बरान नाम।